नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों पर भारी ठंड का प्रकोप, तो कई जगहों पर कम कंपाने वाली ठंड के साथ दोस्तों शीत लहर चलने के आसार है। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम, अगर आप भी रांची, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में तेजी से ठंड बढ़ रही है। सर्द हवाओं के साथ लगातार मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों मौसम में तेजी से बदलाव होगा। रांची मौसम विभाग के मुताबिक निचली दोस्तों जो है बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना और इसके असर झारखंड पर देखने को मिलेगा। रांची मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे कम न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज में पलामू में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्तमान में पलामू संभाग के इलाकों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। राज्य के मध्य भागों में यानी रांची, बोकारो और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। और कोलान और साथ में दोस्तों जो है कई इलाकों पर भारी ठंड का प्रकोप भी है। झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। इस सीजन में दोस्तों जो है न्यूनतम तापमान में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कल न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राजधानी रांची के कांके का दोस्तों पारा जो है 4.2 डिग्री पर पहुंच चुका है। और वहीं दोस्तों निचली बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना और इसके असर से बताया जा रहा है कि विभिन्न इलाकों पर ठंड का प्रकोप काफी अधिक देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बोकारो में काफी ज्यादा जगहों पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है, तो विभिन्न इलाकों पर हमें उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर कोई ज्यादा चेतावनी तो नहीं जारी की है। लोहरदगा में दोस्तों 9-10 के करीब रात के समय तापमान रहेगा, दिन में 22-23 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। लातेहार में 9-10 रात के समय, दिन में 24-25 और भारी ठंड का प्रकोप है बादलों की वजह के साथ। कोडरमा में 11-12 रात के समय, दिन में 23-24 और भारी ठंड का प्रकोप है बादलों की वजह के साथ। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो खूंटी में 10-11 रात के समय, दिन में 23-24 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। जामताड़ा में 13-14 रात के समय, दिन में 26-27 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। हजारीबाग में 9-10 रात के समय, दिन में 23-24 और भारी ठंड का प्रकोप है बादलों की वजह के साथ। गुमला में 9-10 रात के समय, दिन में 24-25-26 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। कोयडा में 13-14 रात के समय, दिन में 26-27 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। गिरिडीह में दोस्तों 12-13 रात के समय, दिन में 24-25 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। गढ़वा में 10-11 रात के समय, यहाँ पर दिन में 25-26 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। पूर्वी सिंहभूम में 13-14 रात के समय, दिन में 26-27 और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड का प्रकोप है। दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत विभिन्न इलाकों पर भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो यह था पूरे झारखंड का मौसम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।